बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज आमिर। अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास लेकर, नया वीडियो लेकर मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। अकाउंटिंग सीरीज की लास्ट क्लास में हमने देखा था लायबिलिटीज क्या है, लायबिलिटीज की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। आज की ये क्लास पिछली क्लास का ही अगला पार्ट है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले, पिछली क्लास में हमने देखा लायबिलिटी क्या है और उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती है और साथ ही साथ हम कुछ और जनरल एंट्रीज भी करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, अपनी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए पहले पुरानी क्लासेस को देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, अदरवाइज दिक्कत होगी। और एक चीज़ और, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक बटन पे हिट जरूर करिए। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछली क्लास हमारी लायबिलिटी पे बेस्ड थी, आज की क्लास उसी का अगला पार्ट है। सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं, पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो लायबिलिटी की मैंने आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन बताई थी, लेट मी रिमाइंड दैट। लायबिलिटी फर्म के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का कर्ज होता है। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी किसी फर्म, हमारी फर्म के ऊपर किसी थर्ड पार्टी का वह क्लेम है, वह कर्ज है जो कि हमारी फर्म को भविष्य में अदा करना पड़ेगा। यह किसी भी प्रकार से हो सकता है, यानी अगर हम किसी से भी, किसी बैंक से लोन ले सकते हैं, किसी बैंक से हमने उधार लिया है, किसी पार्टी से हमने कुछ माल उधार खरीदा या पैसे उधार लिए हैं, किसी से भी हम कुछ ऐसा लेते हैं जिसका हमें भविष्य में रिटर्न करना पड़ता है, पैसे वापस करने पड़ते हैं, उसे हम क्लेम या लायबिलिटी कहते हैं। तो सपोज आपने 5 लाख रुपए किसी से उधार लिए हैं, तो 5 लाख रुपए का क्लेम वो कर सकता है आपके फर्म के ऊपर, यानी 5 लाख रुपए का शेयर अब उसका होगा आपके फर्म के ऊपर, तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे लायबिलिटी। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था ऑलरेडी। अब बात आती है वर्किंग साइकिल के हिसाब से लायबिलिटीज होती कितने प्रकार की, कितने प्रकार को हम कह सकते हैं कि लायबिलिटीज होती हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है लायबिलिटीज को इनकी वर्किंग साइकिल के हिसाब से दो पार्ट में बांटा गया है। एक है करंट लायबिलिटी और दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं? लायबिलिटीज को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है करंट लायबिलिटी और दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी। भाई तो आप देखते हैं कि हम करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। तो करंट लायबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, तो करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। करंट लायबिलिटी वह कर्ज है जो फर्म को करंट ईयर में ही अदा करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी से भी पैसे उधार लेते हैं तो आप एक टाइम देते हैं कि मैं उतने दिन में आपको पैसे वापस कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि आपकी फर्म ने किसी से भी पैसे ऐसे उधार लिए हैं, वो पैसे करंट ईयर में ही आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ऐसे सारे के सारे कर्जों को, सारे के सारे लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। करंट लायबिलिटी क्या है? फर्म के द्वारा लिया हुआ ऐसा कर्ज या फर्म के ऊपर ऐसी लायबिलिटी जिनको करंट ईयर में ही अदा करना पड़ेगा, उन्हें हम लोग बोलते हैं करंट लायबिलिटी। एग्जांपल्स के थ्रू और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्या है एग्जांपल? संडी क्रेडिटर। अब संडी क्रेडिटर क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं बता देता हूँ आपको। संडी क्रेडिटर का मतलब है, आप जब भी किसी से कोई माल उधार लेते हैं, कोई माल आप परचेज करते हैं और आप उससे पैसे नहीं देते, तो जब आप अंडर ग्रुप बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? बाय में परचेज और टू में आप उस पार्टी का नाम डाल देते हैं कैश के स्थान पर। तो जो पार्टी होती है उसका जब हम लेजर बनाते हैं, लेजर बनाते समय अंडर ग्रुप में हम डालते हैं संडी क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? वो आपका कर्ज हो गया, चूंकि आपको भविष्य में पैसे वापस करने पड़ेंगे। और ध्यान रखिए, क्रेडिटर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म लोन में नहीं आते हैं, आपको करंट ईयर के अंदर ही उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। किसी से आप माल खरीदते हैं तो उसका पैसा आपको 2-3-4 महीने के अंदर ही वापस करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। और कौन सी है? करंट लायबिलिटी है। ऐसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट, आई एम श्योर आपने बैंक की एंट्रीज की होंगी। तो जब हम बैंक का अंडर ग्रुप बनाते हैं, यानी बैंक का हम लेजर बनाते हैं, तो वहाँ पे हम SBI बैंक का नाम डाल दिए और उसके बाद जब हम इंटर मारते हैं तो वहाँ पर हमें एक अंडर ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। तो वहाँ पर हम बैंक अकाउंट, बैंक ODI या बैंक OCC, इनमें से हमें कोई ऑप्शन एक सिलेक्ट करना होता है। तो बैंक ODI का मतलब होता है बैंक से लिया हुआ कर्ज। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेने की सिचुएशन पे हम उस बैंक के लेजर को बनाते हैं, तो वहां पर हम अंडर ग्रुप सिलेक्ट करते हैं बैंक ODI। बैंक ODI क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी बैंक से आप पैसे उधार लेते हैं या लेते हैं, लोन लेते हैं, तो मेन इतना ही है कि आपको उनका पैसा करंट ईयर में ही वापस करना होगा, या कुछ इंस्टॉलमेंट्स तो आपको करंट ईयर में देनी ही होंगी। तो बैंक ODI भी आपका आ जाएगा इसी के अंदर, यानी करंट लायबिलिटी के अंदर। बिल्स पेबल, अब ऐसा बिल आपके पास रखा हुआ है, ऐसा कोई पर्चा रखा हुआ है जिसके बदले आपको करंट ईयर में ही पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको बोलते हैं हम बिल्स पेबल। ऐसा बिल जिसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उनको बिल्स पेबल कहा जाता है। तो आपके पास जितने भी बिल्स पेबल रखे हुए हैं, सारे के सारे करंट लायबिलिटीज है, आप उनके बिल्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगला है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म डेब्ट या शॉर्ट टर्म लोन का मतलब यह है, छोटे समय के लिए आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, लोन लिया है, तो वो भी आपका आ जाएगा इसी में, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट लायबिलिटी।
अगला है एडवांस एंड डिपॉजिट रिसीव्ड। मतलब क्या हुआ, आपने किसी से माल आप किसी के पास भेजते हैं, आपने उससे एडवांस में पैसा ले लिया है, आपके पास उसने कुछ पैसे एडवांस में जमा कर दिए हैं, जिनको हम बोलते हैं एडवांस एंड डिपॉजिट्स, तो वो भी आपका करंट लायबिलिटी के अंतर आएगा। उसके बदले आपको जल्दी ही माल भेजना पड़ेगा या फिर आपको उसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये सारा कुछ आपका करंट ईयर में ही होगा। लास्ट में आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको, मतलब ये समझ लीजिए किसी से हमने काम करा लिया है और उसको हमने पेमेंट नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एम्प्लॉयज से काम कराया, उनको जब सैलरी देने का टाइम आया तो हमने सैलरी नहीं दी, तो अब हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इनको एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनको आपने यूज तो कर लिया, आपने सर्विसेज को तो यूज कर लिया, आपने पेमेंट नहीं किया है, उनको भी हम करंट लायबिलिटी के अंतर्गत डालते हैं। अब हम क्या करेंगे, वहां पर सैलरी के स्थान पर उस पार्टी का नाम डालेंगे, तो उसको हमें पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ये मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो सारे करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएंगे। तो करंट लायबिलिटी क्या है, हर एक वो कर्ज जो आपकी फर्म को करंट ईयर में पे करना पड़ेगा उसे हम करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अब हम देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी क्या है। तो नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। नॉन करंट लायबिलिटी वह कर्ज है, वह क्लेम है जो फर्म के ऊपर करंट ईयर में जमा करने का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक है, आपने वो लोन लिया है, अब आपको अदा करने का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसी साल अदा करना पड़ेगा, आपकी जब मन चाहे आप उसको तब जमा कर सकते हैं। ऐसा लोन आपने जो लिया है जिसपे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आप कितने दिन में उसको जमा करिए, ऐसा लोन जितना भी होगा आपके ऊपर, ऐसा जितना भी लायबिलिटी होगा वो सारा का सारा आपका नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब इनमें से एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में आपको सामने दिखाई दे रहा है नॉन करंट लायबिलिटी में, एग्जांपल्स में है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म पेबल बिल्स। लॉन्ग टर्म पेबल बिल्स का मतलब क्या हुआ, ऐसे बिल आपके पास रखे हुए जिनको काफी लंबे समय बाद आपको पेमेंट करना है, जिनके पैसे काफी लंबे समय बाद देने हैं, तो लॉन्ग टर्म लोन्स जो होंगे, लॉन्ग टर्म पेबल बिल्स जो होंगे सॉरी, वो सारे आपके आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत। ऐसे ही आता है मॉर्टगेज नोट्स पेबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कोई चीज गिरवी रख के किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो वहां पर भी वो माल उसके पास रखा हुआ है, तो वो प्रेशर नहीं करेगा आपके ऊपर कि आपको पैसा करंट ईयर में ही अदा करना है या नहीं। अब ये है कि अगर आप ज्यादा समय तक पैसे अदा नहीं करोगे तो मे बी आपने जो भी सिक्योरिटी की वहां पर, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन के अंतर्गत हम जब किसी से पैसे उधार लेते हैं उसके बदले हम कुछ उसी को देते हैं रखने के लिए, गिरवी रखने के लिए, तो एक समय पर क्या होता है अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो वो माल जब्त कर लिया जाता है, तो उसको मॉर्टगेज ही बोला जाता है। तो मॉर्टगेज पेबल नोट्स जितने होते हैं ये आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आते हैं। वो आपसे नहीं बोलने के लिए आएगा कि पैसा आप अदा करिए, आप अदा करेंगे तो आपका माल सेफ रहेगा। ऐसे ही आता है लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स का मतलब है किसी बैंक से आपने लंबे समय के लिए पैसे उधार लिए हैं कि भाई 2 साल 3 साल 4 साल बाद मैं पैसे वापस करूंगा, तो वो सारे के सारे आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हम जो चीजें समझ में होंगी आ गई होंगी आपकी कि करंट लायबिलिटी क्या है, ऐसे लायबिलिटीज, ऐसे कर्ज जिनको आपको करंट ईयर में पे करना पड़ेगा उनको बोलते हैं हम करंट लायबिलिटी, और ऐसे कर्ज जिनको हमें करंट ईयर में पे करने का हमें कोई प्रेशर नहीं है कि हमें करंट ईयर में ही पे करना है, वो हमारी इच्छा है कि हम उसे करंट ईयर में पे करें या करंट ईयर के बाद पे करें, तो ऐसे सारे के सारे लायबिलिटीज क्या कहलाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम कुछ जनरल एंटिटीज और देख लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस के हिसाब से। यहाँ पे पहली एंटिटी लिखी हुई है, लिखा है रवि स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख कैश। रवि ने क्या किया है, 5 लाख कैश से, 5 लाख SBI बैंक से, 50,000 फर्नीचर और 10,000 टूल से यहां पर क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है। तो रवि ने क्या किया है, रवि ने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख कैश, 5 लाख SBI बैंक, 50,000 फर्नीचर, 10,000 टूल्स, इतने से व्यापार स्टार्ट किया है। तो मेन चीज हुआ क्या है एग्जैक्टली, हमारी फर्म है या फर्म हमारी नहीं है, रवि की ही है, अभी ये सिर्फ नाम की फर्म है, लेकिन जैसे इतने सारे ट्रांजेक्शन हुए, अगर रवि ने 5 लाख रुपए कैश दिया तो फर्म के पास 5 लाख रुपया कैश बढ़ गया। रवि ने 5 लाख रुपए SBI बैंक में जमा करवाया तो फर्म के पास 5 लाख रुपए SBI बैंक बढ़ गया। फिर से फर्म ने के लिए रवि ने 50,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है तो 50,000 रुपए का फर्नीचर यहां पर फर्म के पास बढ़ गए हैं। इसके बाद क्या हुआ, 10,000 रुपए के टूल्स खरीदे तो फिर से रवि ने फर्म के लिए 10,000 रुपए के टूल्स खरीदे तो फर्म के पास 10,000 के टूल्स बढ़ गए। इतना सारा अगर आप ऊपर का देखेंगे तो ये सारा का सारा इस ट्रांजेक्शन के बाद चीजें बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है, जब रवि ने आपको पैसे दिए, अपनी फर्म को पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो रवि का कर्ज भी फर्म के ऊपर बढ़ गया है। ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आएगा, पे करने के लिए बोलेगा नहीं लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो रवि है कौन है, ऑनर है, और ऑनर के नाम की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल वर्ड का यूज करते हैं।
तो यहाँ पर साथ ही साथ अगर देखेंगे 5 लाख का कैश बढ़ा, 5 लाख का SBI चेक, सारे के सारे एसेट्स है आपके, फर्नीचर बढ़ा 50,000 रुपए का, 10,000 रुपए का टूल्स बढ़ा, लेकिन 10,60,000 रुपए का कर्ज बढ़ा, कैपिटल ओनर का है। अब हमें करना क्या, हमें से जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रूल आपके सामने लिखा हुआ है, जितने भी लायबिलिटीज की एंट्रियां होंगी उसमें जब भी प्लस सिंबल आता है तो प्लस सिंबल को हटाकर हम उसकी जगह पे 2 करते हैं, और जब भी एसेट्स की एंट्रियां होती हैं तो एसेट्स की एंट्रियों में क्या होता है, हम लोग प्लस सिंबल को हटाकर उसकी जगह पे बाय करते हैं। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको आगे से सारे प्लस सिंबल्स को हटा के बाय 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 करते चले जाना है। तो ये एंट्री बन जाएगी, बाय कैश अकाउंट 5 लाख, बाय SBI अकाउंट 5 लाख, बाय फर्नीचर अकाउंट 50,000 रुपीज, बाय टूल्स अकाउंट 10,000, और लास्ट में 2 में कैपिटल आएगा, क्योंकि कैपिटल जो है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का रूल फॉलो करते हुए यहाँ पर हम 2 में कैपिटल अकाउंट 10,60,000 रुपीज कर देंगे। अगली एंट्री देखेंगे, लिखा हुआ फर्म पेड सैलरी 40,000 रुपीज, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 रुपीज, एंड पेड वेजेस 5,000। फर्म ने क्या किया है, 40,000 रुपए सैलरी पे की है, 15,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, और वेजेस यानी मजदूरी पे की है कितनी, 5,000 रुपए। इसकी एंट्री बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर देखिए टोटल फर्म ने कुल मिला के कितना पेमेंट किया, तो 40,000 रुपए सैलरी दी, ठीक है, 40,000 ये हो गया आपका, 15,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल दी, तो टोटल मिला के कैश कितना हो गया, आप हो गया 55,000, 5,000 रुपए वेजेस पे किया, तो टोटल मिला के फर्म के पास से माइनस हो गया, घट गया क्या, 60,000 रुपए कैश माइनस हो गया। क्यों घट गया, क्योंकि इसके बदले 3 एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ाए गए हैं फर्म के द्वारा, कौन कौन से हैं, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और वेजेस, तो तीनों एक्सपेंसेस बढ़ाए गए हैं और उसके बदले एक एसेट्स घटाया गया है। तो इन तीनों एक्सपेंसेस और एसेट्स सबके सारे रूल्स यही होंगे, जनरल एंट्रीज में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेंस या एसेट्स जब भी बढ़ते हैं उनको बाय करते हैं, जब भी घटते हैं उनको हम 2 करते हैं। अब आपको क्या करना है, प्लस सिंबल को हटाना है और उसकी जगह पे हर जगह बाय यूज कर देना है, चूंकि सारे एसेट्स और एक्सपेंस की एंट्रियां हैं, और माइनस सिंबल को हटाना है, उसकी जगह पे 2 कर देना है। तो आई एम श्योर बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, सब में आ जाएगा आपका, सीधे बाय सैलरी अकाउंट 40,000, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 15,000, बाय वेजेस अकाउंट 5,000, एंड 2 में कैश आ जाएगा आपका 60,000। तो इन सारे बिल्स को क्लियर करने के लिए टोटल मिला के कैश आपके पास से गया 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। और कुछ एंट्रीज देख लेते हैं, तो यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई आपके सामने, फर्म ने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, फर्म ट्रांसफर 50,000 रुपीज SDFC से कहाँ, IDBI बैंक में, और बिल्डिंग परचेज की है कितने की, 10 लाख रुपए। फर्म ने अपनी एक बैंक से जो कि जिसका नाम है HDFC 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं दूसरी बैंक पे। तो ध्यान रखिए एक बैंक घटेगी जिससे पैसे निकाले गए हैं, HDFC माइनस होगी, और यहाँ पर IDBI बैंक प्लस होगी, जिसमें पैसे जमा होंगे वो प्लस होगी और जिससे पैसे निकाले गए हैं वो माइनस होगी। एंट्री बनाने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो मैंने कहा मैंने HDFC बैंक से पैसे निकाले तो उसको माइनस कर दिए, IDBI को प्लस कर दिया, फिर बिल्डिंग मैंने खरीदा तो बिल्डिंग को प्लस किया, क्योंकि एसेट्स ही हैं आपके, और कैश उसके बदले, बिल्डिंग के बदले आपको 10 लाख कैश देना पड़ रहा है। तो ये सारे के सारे एसेट्स की एंट्रियां हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पर HDFC भी आपका एसेट्स है, IDBI भी आपका एसेट्स है, आप ही के दोनों बैंक के हैं, बैंक अकाउंट्स हमारे एसेट्स होते हैं, बिल्डिंग परचेस किया है तो बिल्डिंग भी एसेट्स, और उसके बदले कैश देना पड़ा है तो वो भी आपका एसेट्स है, सारे के सारे एसेट्स की है। तो यहाँ पर हम की जनरल एंट्रीज में हम यही रूल फॉलो करेंगे, प्लस सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पे हम बाय यूज करेंगे, और माइनस सिंबल हटाएंगे उसकी जगह पे हम 2 यूज करेंगे। जनरल एंट्रीज आपके सामने बन जाएंगी, बन जाएगा बाय IDBI अकाउंट 50,000, 2 में HDFC आ जाएगा 50,000, यानी IDBI में जमा किया गया बाय और HDFC से निकाला गया तो 2। आगे है बाय में बिल्डिंग हमारे पास बढ़ गई तो प्लस कर दिया, और कैश यहाँ पे माइनस कर दिया बिल्डिंग लेने के लिए। अगली एंट्री आपके सामने लिखी हुई, फर्म ने सैलरी पे की है 40,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 15,000 रुपए, और वेजे पे किया है 5,000 रुपए। इसको बनाना है तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए सेम प्रोसीजर दोबारा से फॉलो कर लेंगे हम, वही आप देखेंगे तो एक्सपेंसेस की 19-20 सेम एंट्रियां रहती हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, टोटल मिला के 60,000 रुपीज कैश पे कर दिया, और उसके बदले हमने 3 एक्सपेंसेस यहाँ पे बढ़ाए हैं। अब एक्सपेंसेस प्लस में क्यों आ रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको एक्सपेंस वाला चैप्टर यानी वो वाला वीडियो देखना पड़ेगा, एक्सपेंस कैसे बढ़ते हैं, उनकी एंट्रियां करी कैसे जाती हैं, इन पे हम शॉर्ट वे में सीधे डायरेक्टली बना रहे हैं। तो बस आपको करना क्या है, अब यहाँ पर आपको सारे के सारे रूल्स फॉलो होंगे, एसेट्स और एक्सपेंस का गोल्डन रूल। तो यहाँ पर हम प्लस सिंबल हटाते जाएंगे, तो बाय में सैलरी अकाउंट, बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, बाय में वेजेस अकाउंट, और टोटल मिला के 2 में कैश आपका आ जाएगा। तो ये थी जनरल एंट्रीज, इसमें हमने कंबाइन कुछ एसेट्स की एंट्रियां भी देखी हैं, कुछ लायबिलिटीज की एंट्रीज भी देखी हैं, बैंक के भी ट्रांजैक्शंस हमने किए हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी, बहुत जगह निकल फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, अकाउंटिंग करते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।